हाँ बिल्कुल खाली है, कोई किसी ना अलग सोची नहीं है। नंबर दो नहर का पानी की समस्या है, समस्या बहुत तकड़ी में, न में एक बार आवा और नहीं भी आवे, बहुत परेशानी है। अड़कड़ियां टूट जाए तो फिर वो भी नहीं, वो तो मतलब है कोनी, को संभाल कर दे कोनी। ठीक है जी, सबसे मेन समस्या पानी पीने की, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, डग्गी में आओ भी खारा पानी आओ है, कुएं का पानी भी नहीं है और गलियां की सफाई नहीं है। सबसे मेन तो मेन समस्या पानी की है, पीने का पानी की। फिलहाल कुकर काम चला रहे हो नहीं और बता दो, ये आर ओ रो पर लेवा हाँ मोल लेवा हाँ को नहर में तो भर के लिया है, कड़ियाँ तो भर के लिया है, बोटा लेने में सारे यहाँ भर लेंगे, फिर कोई नहीं आंदा, फिर कोई नहीं। हाँ और गांव से ना बैंक न कुछ भी कोई नड़े, तनख्वाह लेने है तो कतौर जाना पड़ा है, खेड़ी भरना पड़ा है, खेड़ी भरना पड़ा है। हाँ। जेठ का भी नमे भी तनख्वाह लेनी पड़े, पो का भी नमे, साधन भी बहुत कम चल रहे हैं, साधन कम चल रहे हैं, आराम है, जेब भी साफ करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी घटना हुआ। हाँ ये भी घटना हुआ है, और फिर रोड भी कदे लाइन में लगना पड़ता है, कपड़े तो बहुत लाइन में मन भीड़ पाओ नु कदे आज कोन मिले तड़का मिले। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। सार जिले के नारनू दलका के कापड़ो गांव में हाँ, बहुत बड़ा गांव है, बड़ा अच्छा भाईचारा है और जनता की आवाज़ अपने पीछे बैनर दिखने लग रहा है, यानी एक शो कह लो एक प्रोग्राम कह लो अपना चैनल के माध्यम से आपने शुरू कराया है, जिसकी शुरुआत कापड़ो गांव तय हुई है। और सबसे पहला इस कापड़ो गांव की पावन पवित्र धरती ने मैं सलाम करूँ हूँ, और कापड़ो गांव का जो भाईचारा है, चाहे हमारे चाचे ताऊ हैं, बुजुर्ग हमारे दादा हो रहे हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं, सारे भाइयों ने सबसे पहला मेरी तरफ से धन्यवाद करूँ मैं, जो एक फ़ोन पर और एक आवाज़ पर इतनी भारी संख्या में 50+ इनकी संख्या जो इकट्ठे हुए। और अपना जो मकसद रहेगा, यानी करीब 4 महीने विधानसभा के इलेक्शन ना बाकी हैं, मकसद सिर्फ एक है कि गांव की जो सार्वजनिक समस्या है वो उठाई जावें, यानी आने वाले टाइम में करीब 1-2 महीने बाद चुनाव का जो प्रचार है वो बड़ी तेज़ी पकड़ेगा, हर उम्मीदवार हर पार्टी का उम्मीदवार गांव माने शुरू हो जाएंगे, अपना अपना प्रचार अपना अपना प्रसार वो करेंगे। हम चाहवा कि उनका आने से पहला गाँव की जो साझली समस्या है, सार्वजनिक जो समस्या है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे पढ़ाई की है, चाहे खेल की है, कोई भी समस्या है, वो समस्या इकट्ठी हो और इकट्ठा होकर यू भाईचारा यू गाम राम हर उम्मीदवार के आगे वो समस्या रखे, ताकि उन समस्या का समाधान हो सके और उस उम्मीदवार ने गांव में आने से पहला भी पता चले कि किस गांव में के समस्या है। दूसरी चीज़, कोई भी भाई संपर्क करके डिस्प्ले पर 2 फोन नंबर अपना मिलेंगे तो हमारे तक संपर्क कर सके। हमारी कोशिश रहूगी कि नारनू हल्का के गांव में जाऊंगे, इसके अलावा चाहे उचाणा हल्का की बात करा, नरवाणा की बात करा, बरवाला की बात करा, उकलाणा की बात करा, मैम की बात करा, रोहतक सोनीपत, कोई भी आ लिए महेंद्रगढ़ चरखी दादरी रेवाड़ी, हर हल्का में जाकर हमारी कोशिश रहूगी कि जनता की जो समस्या है वो उठाई जावे। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है जनता की आवाज़, क्योंकि कोई भी नेशनल चैनल चाहे किसी बड़ा जो टीवी चैनल है, कोई चैनल वाला आपका गांव में नहीं आओगा, आपकी गांव गली सड़क नहीं दिखाओगा, आपकी समस्या नहीं दिखाओगा। राजनीतिक पार्टियां की अगर आप बात करें, इलेक्शन का टाइम पाओगे, राम राम भी करेंगे, पैरों का हाथ भी लाओगे, लेकिन भैया कड़वी सच्चाई है, 5 साल बनने के बाद दोबारा वो इस गाँव में नहीं दिख दे, चाहे MP हो चाहे MLA हो। 2019 में भी मैं इस गाँव में आया था, जब शुरुआत हुई थी अपना चैनल पे, उस टाइम भी समस्याएं लोगों की सुनी थी, चैनल की शुरुआत थी, 5 साल का तजर्बा सिर्फ यूँ रहा है कि कुर्सी पर बैठने के बाद समस्या सुनने खातर कोई को नहीं आया। आज अपना जो मकसद रहूगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, समस्या इनकी भी हो सका है। सबसे पहला तो हमारे जितने चाचे ताऊ दादे बैठे हैं सारे ने मेरी ओर राम राम जी, और जितने हमारे युवा साथी हैं भाई आप सब ने भी हमारी ओर राम राम, और आप सभी का धन्यवाद जी, जो आप मतलब अपना कीमती टाइम काट गया, अपना डांगर ढोरा का भरोटिया का टाइम छोड़ के और इस प्रोग्राम खतर आए, उस खतरा में सबसे पहले आपका धन्यवाद करा। और भाई शुरुआत करांगे गांव की, यानी चाहे युवा की बात करा, चाहे बुजुर्गों की बात करा, उस साइड भी बहुत सारे हमारे साथी बैठे दिखा दे भाई, उनका भी हमें धन्यवाद करा, भले ही उरा जगह ना बची हो, वो भाई भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनका भी हम धन्यवाद करा, चाहे छोटे चाहे बड़े हैं। सबसे पहले आप, यानी पहली जो समस्या गांव की सबसे बड़ी समस्या, गांव में सबसे बड़ी समस्या एक होनी कही है जी, गांव कापड़ो में रिंग रोड नहीं है, गांव कापड़ो का रजबाया नहीं है। अच्छा, कड़े तक रजबाया होना चाहिए, ये भी नहर से वहाँ नहर तक होना चाहिए, पूरा एरिया खाली है हमारा, हाँ बिल्कुल खाली है, कोई किसी ने अलग सोची नहीं है। नंबर दो नहर का पानी की समस्या है, समस्या बहुत तकड़ी में, न में एक बार आवा और नहीं भी आवे, बहुत परेशानी है। अड़कड़ियां टूट जाए तो फिर वो भी मुझे, वो तो मतलब है कोनी, को संभाल कर दे कोनी, एक नहर का पानी की समस्या होगी। इस तनारी आपने रजवाया कोनी, कपड़ों के नाम से कोई रजवाया नहीं आज तक, कपड़ों का नाम तो कोई रजवाया नहीं है, इसमें जाओ आइए संभाला है, एक भी न में एक बार आवा और नहीं भी आवा।
आपने कदे किसी दे मिले नहीं इस चीज ना लेके या कोई मतलब आया ही नहीं? देखो ऐसा है, मिलते ही बना दरखास्त भी लांदरा, कोई सुनता को नहीं। रिंग रिंग रोड की लगाई थी, वहाँ कर देंगे, करना कोई किसी ने है नहीं। अच्छा, किसी ने कुछ नहीं करना। तैयारी और के गांव में समस्या लगे? समस्या और तो घनी है जी, बाकी और भाई ने बेरा है। नाम क्या आपका? दया सिंह। दया सिंह, ये दिक्कत बताओ आप। दिखते मेरा बैंक मारे नहीं और मारे नहीं, सारा सदा जारिया मर जाए। पहले था बैंक? था बैंक, दो दो बैंक थे। हाँ जी, दो बैंक आज भी रिकॉर्ड में है। कौन सा बैंक है जी? यूको बैंक इसी रिकॉर्ड में है। कपड़ों का केड़ी चोपटा बने रहा है। अच्छा, वो कपड़ों का होना चाहिए। और माइनर भी नारा माइनर में तो माइनर पटिया से माइनर भी रिकॉर्ड में है, लेकिन समस्या है पानी। मतलब ग्राउंड लेवल पे कौन ही कागज कागजा में है? हाँ, कागजा में है। चलो भाई, ताऊ जी राम राम। राम राम। सबसे मेन समस्या हमारा गांव में पीने का। राम राम। तो ले राम राम भाई। नाम और बता दे। भूप सिंह। ठीक है जी। सबसे मेन समस्या पानी पीने की। पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। डग्गी में आओ भी खारा पानी आओ है, कुएं का पानी भी नहीं है, और गलियां की सफाई नहीं है। सबसे मेन तो मेन समस्या पानी की है, पीने का पानी की। फिलहाल कुकर काम चला रहे हो, नहीं और बता दो। ये आर ओ उरों पर लेवा, हाँ मोल लेवा, हाँ को नहर में तो भर के लिया है, कड़िया तो भर के लिया है, खेता में तो किसी का। आपके मतलब नजरियत है या आपका दिमाग है, कोई इसका समाधान किस तरीके तो इसका कड़े के बनना? इसका समाधान तो नहर में मोरी लाग दी डग्गिया में। ठीक है। और जब पानी की समस्या मिट सके पीने की, फिर समरसी लागे। हाँ, उससे समस्या मिटे पानी की। पानी की मेन समस्या है, पानी की मेन समस्या होगी। राम राम। राम राम बेटा। आपका नाम? रामचंद्र। रामचंद्र। अच्छा रामचंद्र, क्या समस्या लागे? समस्या जी पानी की खास समस्या है जी। जो हमारा जो रोड है नी, यो मतलब है सिमटी डोम ऊंचा होना चाहिए। पानी खड़ा है सारे रोड पे जी। बिल्कुल, पानी तो खड़ा है। राम ब्रज ने कपड़ों में तो पानी पूरा ऊंचा ऊंचा होना चाहिए जी, सिमटी डोना चाहिए। ये पत्थर नाला सफाई हो जाए, ये पत्थर पड़े जाओ सिमटी डोना चाहिए जी। ठीक है। राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? कुशार सिंह। कुशार सिंह, क्या समस्या लगा गा मतलब सबसे बड़ी है? पानी है, यह समस्या है। कठिया सफाई को नहीं है, बोटे लेने में सारे यहाँ भर लेंगे, फिर कोई नहीं आंदा, फिर कोई नहीं आंदा। हाँ, और गांव से ना बैंक न कुछ भी को नेड़े। तनखा लेने हेतर कतोर जाना पड़ा है? खेड़ी भरना पड़ा है, खेड़ी भरना पड़ा है। जेठ कभी नमे भी तनखा लेनी पड़े, पो कभी नमे, साधन भी बहुत कम चल रहे हैं। साधन कम चल रहे हैं, आराम है, जेब भी साफ करते हैं। अच्छा, ये भी घटना हुआ है? हाँ, ये भी घटना हुआ है। और फिर रोड भी कदे लाइन में लगना पड़ता हो, कपड़ों तो बहुत लाइन में मन भीड़ पाओ नु कहे आज कौन मिले तनखा मिलेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, समस्या तो हर ये है, वहाँ भर लेंगे हर एक कैंडिडेट, फिर कोई नहीं पूछता, फिर याद गुण कर दे। वोटों के टाइम पर सारे पूछ, हम वोटे नहीं दे, हां क्या ही भरा लेते हैं, वो भर लेंगे। अच्छा। फिर ऐड नहीं आता रूम तक भी। हां ऐड कोई। क्या नाम आपका? राजवीर है जी। राजवीर, किस समस्या लगा आपने? सबसे बड़ी मैं दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या तो यह है हमारी नहर में तो मोरी लगनी चाहिए डग्गी में। अच्छा अच्छा। हां गांव की पानी की समस्या, नहर का पानी आवे। हां नहर का पानी आवे, वाटर सप्लाई बढ़िया हो, साफ हो, मतलब उसमें सफाई रहनी चाहिए। ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ। राम राम। सोई क्या था के? हाँ। अच्छा अच्छा। के नाम है? प्रकाश। प्रकाश है। हाँ। फिर गांव में कितना प्रकाश हो रहा है, गांव वाली और बता दो। कई है, कई है, कई है। अच्छा, समस्या के लगे? समस्या चार टैंक होने चाहिए गांव का चुगर दे। गांव का चुगर दे चार टैंक बड़े? हाँ बड़े, टूटी रोडी बनना बन गया। अच्छा अच्छा। पीन का पानी खतर को? पीन का पानी खतर, और खेता में चारों खेता में तो है ही नहीं, चारों कुने हो जो चेयर है। हाँ, गांव का ठीक काम चल रही है। पीने का पानी खतर? पीने का पानी। मोल वाला कौन लेना पड़े? मोल वाले क्या अंडर मोल वाले नारे का जावे है, मजबूरी में लेना पड़े, मजबूरी में। चलो राम राम। राम राम भाई। आपका नाम? राजपाल है जी। राजपाल, क्या समस्या लगे? ये समस्या तो ज्यादा पानी की हो रही सोनू, तो पानी मिल से लेके आपके तो किसी तो मिले हो कोई आवाज उठाई किसी एमपी एमएलए मंत्री दो भाई हमारा समाधान करो। आपने भी बेरा हुआ इस तरह में 13-14 भी नेड़े खेड़ी चौपटा ही बैठे रहे थे, हैं कदे किसी ने सुनाई तो कौन करी, कदे गौतम आया नहीं, कदे दुष्यंत आया नहीं, सुनाई कौन की? हाँ जी, आप बताओ के रमजान टूट गया कर गए। हाँ, भी नम एक बार आओ है और बदला लगा दो भी नमा हुआ है। ठीक है। हमें 3-4 का मैं गाड़ी पर खेले गया चंद्र है जो पानी नहीं है। अच्छा, पानी वाली बताया मेरी समस्या भाई। एक तो जो जोड़ा पानी है जितना भी गंदा पानी है,
इसका अलग तो होना चाहिए, मतलब इनमें अलग तो अलग होना चाहिए, जो गांव का पानी यू अलग होना चाहिए। अच्छा, गंदा पानी, गंदा पानी अलग होना चाहिए। एक सीधे अपना जवायत मोरी होनी चाहिए सारे जोड़ा की, यू पानी उसमें मिलना नहीं चाहिए। वह चीज तो रहेगी 5-10 हज़ार की है, 5-5 लाख की जो टी बेगा मैं ऐसी बेगा पा रहा है। एक मैन समस्या है खेड़ी बैंक की, क्यों बूढ़ा भीर और सारे जावाकर रहे जो कई बार देखा, मतलब बड़े बुजुर्गों ने बड़ी दिक्कत हो, साधन नहीं पाते, बस नहीं आती, अपना महाराज बैंकर ओए उड़ जा रहा है। मेरी समस्या नहीं है, मैंने कोशिश भी करी थी आपने भाई कपड़ों में बनना चाहिए, बड़ा काम कपड़ा कोशिश करें जाए, फिर आप भी काम नहीं देंगे कोई भी काम के करना ना करना। मेरी तो मैंने समस्या तो यह है गंदा पानी वाली जोड़ना नहीं मैं सही है और ये